केंद्र सरकार के प्रस्तावित 3 विधेयकों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का एक समूह आज तीसरे दिन भी नेशनल हाईवे 44 यानी दिल्ली को हरियाणा, पंजाब, आगे हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाले मुख्य हाईवे पर डटा हुआ है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने किसानों को बुराड़ी के मैदान में जाकर प्रदर्शन करने की अनुमति दी है, लेकिन इन लोगों ने अभी तक आगे बढ़ने से इनकार किया है। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आप यहां हाईवे पर क्यों डटे हैं जब एक मैदान आपको दे दिया गया है प्रदर्शन के लिए। जी, पहले तो हम आपका धन्यवाद करेंगे और होप करेंगे कि आप कोई पार्शियलिटी नहीं करेंगे, इसको लाइव ही चलाएंगे। जैसे कि आप कह रहे हो कि हमें ग्राउंड दे दिया गया है, पर हम वहाँ नहीं जाना चाहते कि हम पंजाब से जहाँ से चले हैं तो वहाँ से हम डंडे, लाठियाँ, पानी की बुछारे खाते हुए यहाँ पहुँचे हैं, और अब सेंटर की सरकार चाहती है कि हम चुपचाप जाके बुरगाड़ी के ग्राउंड में बैठ जाएं, जो बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम बुरगाड़ी ग्राउंड में जाके बैठ जाते हैं तो वहाँ पे हमारा जो आवाज़ है वो बाहर नहीं निकल पाएगी। तो हम यही चाहते हैं कि जो मेन रोडों पे बने रहें, दिल्ली की जो सप्लाई है दूध पानी की, फल फ्रूट की, सब जो है वो बंद हो जाए, ताकि जो दिल्ली के जो सेंटर की सरकार उसके ऊपर ज़्यादा दबाव बना सके और जो 3 ऑर्डिनेंस है इनको कैंसिल करवा सके। आप यहाँ अगर बैठे रहे जबरदस्ती, और दिल्ली पुलिस के पास काफी ताकत है, आप देख रहे हैं जवान तैनात हैं, अगर पुलिस यहाँ से लोगों को जबरदस्ती हटाने की कोशिश करेगी तो टकराव किस स्थिति बन सकती है? अगर ऐसा हुआ तो क्या करोगे? शांतमय प्रदर्शन कर, हम पीसफुल प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तो 10 लाख हैं, ये हमारा क्या मुकाबला करेंगे? हम तो 1 लाख पर 10,000 बारी पड़ जाती है, ये हमारा क्या मुकाबला करेंगे? अगर ये क्या, इसके आगे रास्ता क्या है? आप नेशनल हाईवे पर बैठ गए हैं, उधर बैठक चल रही है, जत्थेदारों की बैठक चल रही है गृह मंत्रालय से, अगर आप यहीं बैठने का निर्णय लेते हैं और पुलिस ने हटाने की कोशिश की, जैसे कल हमने देखा टियर गैस, वासु गैस के गोले छोड़े गए, कई लोगों को परेशानी हुई है, तो क्या आपको नहीं लगता टकराव की स्थिति बनेगी? ये तो जड़ साडिया किसान जथेबंदियां ने यह सानू ऑर्डर किया था भी 26, 27, 28 आपने दिल्ली नू कूच करना, दिल्ली नू जाना है। देश के किसान ने सानू उदन तो ही परेशानियां हो गई, शंभू बार्डर सील करते इन्होंने, भेवा बार्डर सील करते, उस अंबाला हरियाणा सील करते, दिल्ली सील करती, वो सारे असी धर इनू बार्डर तोड़ते होंगे, पत्थर पर करते होंगे, असं इतने तक पहुँच गए, सानू कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। जिहड़ी तुसी गल करदे भी पुलिस साढ़े जिहड़े आगू आ, साडियां जिहड़ियां मीटिंगां हो रही हैं सीनियर आगूआं दीआं, साडा इको एक फैसला भी असी शांतमई मोर्चा लाउणा है। शांतमई मोर्चे च ला के असी अपना जिहड़े इन्हां ने साडे ते पस्ट्रेटे लागू करे आ, काले कानून लागू करे आ, इन्हां नूं असी लागू नहीं होण देवांगे, रहेंगे शांतमई च, रखांगे भी असी इत्थे। अज तीसरा दिन है, 3 दिन में बहुत लोग परेशान हो गए हैं, 3 दिन काफ़ी होते हैं, पूरा नेशनल हाईवे से ट्रैफिक डाइवर्ट होकर जा रहा है, ट्रक यहीं पर रुके हुए खड़े हैं, क्या लगता है इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है, मोदी जी 3 काले कानूनों को वापस लें और 4th कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीद गारंटी का और दाना दाना खरीदने का भुगतान गारंटी का, और अगर कोई व्यापारी मंडी में किसान की फसल को MSP से कम रेट पे लूटता है तो उसके लिए 3 साल की सजा का प्रावधान हो और नॉन अवेलेबल ये ऑफेंस हो। ये अभी आपको क्या लगता है आंदोलन आगे कितना आगे बढ़ेगा, कहाँ तक जाएगा? जब तक सरकार मानेगी नहीं, मांगे नहीं मानेगी तब तक बैठे हैं, शांतमय तरीके से बैठे हैं, पीसफुल बैठे हैं, अपना भाईचारे से बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आप देख सकते हैं किसानों से डर से पुलिस आप खुद ही दूध पियाने लग गया किसानों को, और ये किसानों को डर, ये भी हमारे भाई हैं, वैसा नहीं है, हम पुलिस के साथ हैं, हमारे भाई हैं, उधर उधर भाई हैं, हमारे भाई हैं, बिल्कुल ये पुलिस दूध पिला रही है किसानों को? पुलिस नहीं पिला रही है, ये दिल्ली के सेवादार हैं जो आए हुए हैं। और आप जो बात कह रहे हो कि कहां कब तक हम जो है ये प्रोटेस्ट करेंगे, हमारी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में 6-6 महीने का हम राशन लेके आए हुए हैं, अगर ये सेंटर सरकार नहीं मानते तो हम 6 महीने। क्या आपको उम्मीद है सरकार सुनेगी? सुनना चाहिए, डेमोक्रेसी है, सुनना चाहिए, क्यों नहीं सुनना चाहिए? हमारी आवाज से ही जो है वो शांतमय तरीके से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इवन हमें तो परमिशन देनी चाहिए। हम यहाँ देख रहे हैं युवाओं में काफी गुस्सा है, उसकी वजह क्या है? ये जो मोदी सरकार ने शुरू से ही, जब पहले दिन से ही जब इन्होंने सरकार बनाई थी, तो ये जो झूठे के झूठे वादे करते आ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है जैसे कि आपको पता है, ठीक है, करप्शन बहुत बढ़ गया है, जिसके ये कह रहे हैं कि करप्शन ही है, बहुत ज़्यादा करप्शन है, तो जो नौजवान है वो करे क्या? अगर जॉब नहीं होगी हमारे पास तो हम सड़कों पे ही बैठेंगे, अगर हमें जॉब देते हैं तो हम अपने ऑफिस में जाके बैठेंगे, तो हम कोई यहाँ पे शौक के लिए तो बैठे नहीं है। किसानों का ये धरना जारी है सिंह बॉर्डर पर, और हमने पिछले 3 दिन में जितने भी किसानों से बात की है उन सबका यही कहना है, एक जबान है,
कि जब तक केंद्र सरकार प्रस्तावित विधेयकों को कानूनों को वापस नहीं लेगी वो पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ ये दोहराना ज़रूरी है कि जहाँ ये बैठे हैं ये नेशनल हाईवे 44 है, दिल्ली को 4 अहम राज्यों से जोड़ने वाला लाइफलाइन हाईवे है ये। अगर ये लंबे समय तक बंद रहा तो दिल्ली के लोगों को खासी परेशानी होना तय है। अब देखना ये है कि आगे क्या होगा। कैमरामैन देवाशीष के साथ दिलनवाज पाशा।